नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट का गठन किया गया। चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की कवायदों के पूर्व के परिणाम कितने सार्थक हैं, इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, जिसने प्रदेश भर में व्यापक पैमाने पर पंचज अभियान चलाया। उसमें गोवंश को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी शामिल था, लेकिन उसके कितने सार्थक परिणाम सामने आए। मध्य प्रदेश में गो संरक्षण और सर्वधन की दिशा में पिछले 15 साल में कितने सार्थक काम हुए हैं और उसमें सरकारी पैसे का किस हद तक सदुपयोग हुआ है, इस बारे में भी गंभीरतापूर्वक मंथन किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवेदनशीलता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। गौशालाएं सिर्फ वृद्धाश्रम बनकर ही न रह जाएं, इस बात की भी चिंता होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गो संरक्षण और गो संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। इस कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे अतिथि श्री अशोक त्रिपाठी जी उपस्थित हैं और इस विषय पर वे अपनी राय, अपने विचार हमसे साझा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश की गो कैबिनेट पर आपके विचार। देखिए, गो कैबिनेट का गठन, लेकिन पिछले परिणामों पर भी हो चिंता। 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, तब पंचज अभियान के माध्यम से जन जल जंगल जमीन जानवर की चिंता की गई थी, तब भी गाय को प्रमुखता दी गई थी। गौरजी की सरकार बनी, गोकुल ग्राम के माध्यम से भी गाय को केंद्र बिंदु में रखा गया था। शिवराज जी की सरकार बनी, हमेशा गौ भक्ति और गौ सेवा की बात हुई। संयोग से कमलनाथ जी की जब सरकार आई, उसके आने के पहले ही उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में गौ संरक्षण संवर्धन को प्राथमिकता दी, उस दिशा में पहल भी की। पशुपालन गौ संवर्धन विभाग ने भी बहुत सारी पहल की। ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक जनपद में अनेकों गौशालाओं का निर्माण कर रहा है, लेकिन गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, चारागाह विकास के प्रति उतनी गंभीरता नहीं है। यह ठीक वैसा ही है कि पानी की व्यवस्था ना हो और घर के ऊपर टंकी बनवा दी जाए। पानी हो नहीं पहाड़ पे, टंकी बना दी जाए, बसाहट कर दी जाए, तो क्या होगा? चारागाह नहीं होगा, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, और यदि पानी की व्यवस्था होगी वहां बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, तो अंततः बसाहट कैसे होगी गायों की? वैसे तो गौशाला का कंसेप्ट ठीक वैसा ही है जैसे वृद्धाश्रम का। वृद्धाश्रम समाधान नहीं है, तीखी और सख्त बात है। तो घर घर गाय, हर हर गाय, हर खेत में गाय, हर किसान के पास गाय, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, वहां तक पहुंचने के पहले विचरती हुई, एक तो शब्द बड़ा चुभेगा, मंत्री से लेके विधायक तक और न जाने कितने लोग ये कि शब्द प्रयोग करते हैं, आवारा गाय। मुझे बड़ी दुष्टता के साथ ये कहना पड़ेगा कि शर्म नहीं आती गाय को माता कहने वालों को, कि गाय को आवारा कहते हैं। आवारा होती है जो पथभ्रष्ट हो, चरीन हो, चरित्रहीन हो। गाय कभी आवारा नहीं होती, गाय लावारिस होती है। हम उसके वारिस हैं, हमने अपने आप को मुक्त कर लिया तो लावारिस हो गई। ठीक है, विषय अलग जा रहा है, फिर भी ये पहल 5-7 विभागों को जोड़कर, उनके मंत्रियों को जोड़कर गौ कैबिनेट का गठन और उसकी पहली बैठक जो आगरा जिले के सालरेखड़ी गांव में हो रही है, मुझे लगता है कि इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए एक दीर्घकालिक योजना के साथ गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित हों, ऐसी शुभकामनाएं इस कैबिनेट के लिए। धन्यवाद। भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।